बैलेंस। ओके ओके स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 62 नंबर शीट, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 62 शीट, और जिनको नहीं मिली वो उनको डिस्ट्रीब्यूट अभी हो जाएगी। तो ये वाली शीट एक बार देख लो, कितने लोगों नहीं मिली है 62 जो भी चल रही है, ये कम है, चेक कर, प्रिंट आउट लेके आप फटाफट देखो। अभी तक हमने क्या किया कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग बाइट सेवेट लॉ, फिर एम्पियर सर्किट लॉ, दोनों के दोनों लॉ भी निकालते हैं। कोई बहुत आसानी से निकालता है, कोई कॉम्प्लेक्स तरीके से निकालता है, पर निकालते भी हैं। अभी तक हमने करंट कैरिंग वायर की वजह से बी को ही कैलकुलेट किया। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम फोर्स निकालेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है लेट अस सपोज, और एक चार्ज्ड पार्टिकल क्यू मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। हम देखेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर पड़ा हो तो इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करे इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, और फिर वो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू हम निकालेंगे। और जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा और उसके ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी मैग्नेटिक, तो हम देखेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल अपना रास्ता चेंज करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रेजेक्ट्री उसकी चेंज हो जाएगी। तो इस चैप्टर में ट्रेजेक्ट्री देखेंगे कि पाथ कैसे फॉलो करेगा एक चार्ज पार्टिकल जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाएगा अलग अलग तरीके से। ठीक, आइडिया समझ में आ रहा है? तो हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट इसमें? तो ये चैप्टर स्टार्ट है यहां से फोर्स की वैल्यू। जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये ऑब्जर्व किया गया है बाय एक्सपेरिमेंट्स, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी बड़ी मैग्नेटिक फोर्स होगी, जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी बड़ी फोर्स होगी, और वेलोसिटी में वी नहीं, वी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स। कॉस नहीं, कॉस क्यों नहीं लेते उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं वी कॉस थीटा वी साइन थीटा, जो कंपोनेंट बी के अलोंग है वो नहीं लेना, जिसके परपेंडिकुलर है वो लेना है, वो क्यों बताता हूं। अगर आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो कांस्टेंट 1 आएगा, तो बी क्यू वी साइन थीटा, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा। इसलिए लेते हैं इसमें साइन, कॉस क्यों नहीं लेते, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इधर से वी एंड बी आर वेक्टर क्वांटिटी, तो वी और बी का प्रोडक्ट जो होगा वो क्रॉस होगा तभी यहां पर साइन आएगा। और क्रॉस इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, अगर मैं डॉट ले लूंगा तो ये स्केलर हो जाएगा, जबकि फोर्स इज अ वेक्टर। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कितनी करता है, बी क्यू वी साइन थीटा। पहला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, वी इज इक्वल टू जीरो, अगर वी इज इक्वल टू जीरो और आपने बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया तब भी फोर्स क्या होगी, जीरो। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती, जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपको फोर्स लगाना है चार्ज पार्टिकल पे तो उसको मोशन में होना जरूरी है, तो जब वो वेलोसिटी वी एक्वायर करेगा और मूव करेगा तो ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो अब बी क्यू वी साइन थीटा का वेक्टर फॉर्म क्लियर है? जैसे अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब वेलोसिटी और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये वाला केस बनेगा, वेलोसिटी राइट है बी भी राइट है, तो एंगल बिटवीन वी एंड बी थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में फोर्स
की वैल्यू क्या आएगी, बी क्यू वी साइन जीरो इज जीरो, तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो एंगल जीरो या 180 हो जाएगा, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स इस पे नहीं लगेगी। कोई डाउट इसमें? तो मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगी जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जीरो और 180 नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा फिर नहीं लगेगी। कोई डाउट इसमें? और अगर थीटा कितना हुआ 90, तो अगर बी वेक्टर जैसे इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90 मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बी और वी वेक्टर में एंगल क्या होगा 90। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल यहां मूव करेगा और बी वेक्टर इस तरफ है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी? वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। और हम फिजिक्स में वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड चार फिंगर वी के क्रॉस, क्रॉस बी करके दिखाऊं, ये वी क्रॉस बी, तो कैसे आएगा? बोर्ड के इनसाइड, वी क्रॉस बी, क्लियर है? तो वेक्टर वी क्रॉस बी इनसाइड। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? डायरेक्शन की फिर प्रॉब्लम रहेगी इसमें, जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आई घर बैठे उसका न्यूमेरिकल नहीं ठीक होने वाला, पक्की बात है। फिर से 50 बार करवाऊंगा तो एक बार तो समझ में आएगा ही, क्योंकि इसमें चैप्टर में करना क्या है, दो लेक्चर में 50 बार डायरेक्शन ही तो देखनी है। फिर देखो वी क्रॉस बी, एक वेक्टर के डायरेक्शन कैसे निकलती है? राइट हैंड वी क्रॉस बी इनसाइड, थंब इनसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वी क्रॉस बी थंब इनसाइड। कोई डाउट इसमें? फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, परेशान ना हो, फिर देखते हैं ठीक। और ये लो, यहां पे ट्राई करना, खुद ट्राई करो। इसमें सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? बोर्ड के इनसाइड। ये आपके पास वी वेक्टर है, चार्ज पार्टिकल जा रहा है, बोलो डायरेक्शन कहां होगी? वी क्रॉस बी। देखो वो बोलता है ऊपर, कोई बोलता है आउटसाइड, कोई बोलता है इनसाइड। इनसाइड, आउटसाइड, कितने लोग बोलते हैं आउटसाइड? आउटसाइड। कितने बोलते हैं इनसाइड? कितने बोलते हैं लेफ्ट? कितने बोलते हैं राइट? कितने बोलते हैं अप? कितने बोलते हैं डाउन? कितने बोलते हैं पता ही नहीं लग रहा है यार क्या हो रहा है कैसे करे जा रहे हैं, अप डाउन अप डाउन, राइट। अच्छा यार वी वेक्टर क्रॉस बी का है, वी कहां है बोलो, वी कहां है? ये रहा बी कहां है? बोर्ड के अंदर। अंदर कहां जाएंगी? बोर्ड के इनसाइड, अंदर चलेगी। सोचो थंब कहां रहे? ऊपर, तो ऊपर वाले कितने हैं? अप आंसर है आपके सामने ही है, V क्रॉस B। अब मैंने कब कहा V क्रॉस B? क्रॉस प्रोडक्ट में चार फिंगर V के ऊपर, क्रॉस B, थंब तो डायरेक्शन बताता है, थंब भी अगर V में चला गया तो फिर डायरेक्शन कौन बताएगा? थंब ही तो डायरेक्शन बताएगा। तुम कह रहे हो थंब ही यहां ले लो तो इधर ही फोर्स आ गई, ये तो कोई रूल नहीं बना। देखो फिर देख लो, फिर देख लो, बोर्ड के बाहर निकालो वेक्टर, ये लो ये V वेक्टर है, लो ये पेन V वेक्टर बाहर आ गया, B वेक्टर बोर्ड के अंदर है, ये वी वेक्टर है बोर्ड के इनसाइड है, वी क्रॉस बी, राइट हैंड चार फिंगर वी क्रॉस बी, थंब कहां आएगा? अप। कोई डाउट इसमें? ठीक। अभी भी कुछ लोग परेशान लग रहे हैं कि यार अब ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, ये तो फिजिक्स वालों का वेक्टर का रूल ऐसे बोलता है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है फ्लेमिंग, उसको भी शायद यही समस्या होगी, परेशान हो गया होगा, उसने जिंदगी को आसान किया और एक जबरदस्त शॉर्टकट बनाया
जिससे कि एक सेकंड में डायरेक्शन आएगी, ध्यान से देखना कैसे। फ्लेमिंग ने कहा इस क्वेश्चन को डायरेक्शन निकालने के लिए ये रूल सही रूल है, वी क्रॉस बी सही बोला, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है यार, फिंगर्स क्लोज करो और ऐसे मुश्किल लगता है। वो कहता है लेफ्ट हैंड लो अपना, लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है मान लो वो बी रिप्रेजेंट करता है, बी वेक्टर, फर्स्ट फिंगर बी वेक्टर, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव नहीं बोला क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन में और लोग भूल जाएंगे, वो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ चार्ज, मैंने डायरेक्शन ऑफ बोला ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बी वी और थंब रिप्रेजेंट फोर्स, लगा के दिखाता हूं, जैसे यहां पर बी वेक्टर कहां है, बोर्ड के इनसाइड, तो इनसाइड बी, पहला स्टेप क्लियर है, बी क्लियर है बोर्ड के अंदर, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो सेंट्रल फिंगर कहां जाएगी, राइट, कोई डाउट इसमें, थंब कहां होगा, अप, आंसर इज अप, कोई डाउट इसमें, सबसे ज्यादा यही चलता है वैसे, वो नहीं चलता, बी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स, कोई डाउट इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसमें सुनने वाला है कि तीन फिंगर्स आपस में 90 डिग्री पे होंगे। कई लोग घर जाते जाते इन फिंगर्स को ऐसे रखने की बजाय घर जाते जाते ऐसे कर लेंगे, कहेंगे कैसे मुझे क्या पड़ता है, गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत केस है, लग नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा, कुछ भी, 90 डिग्री कहा था, 90 डिग्री कहा था, ये ऐसे ही बोला, फर्स्ट फिंगर आपकी तरफ ही जाएगी और ये ऐसे ही खोल लें, तो आप बेटर है कि वहां फिंगर्स खोलने की बजाय पहली खोल लिया करो कि बस यही इसी को फिट करना है। देखो कैसे, ध्यान आगे, बी खोल के जाओ ना ऐसे, बी वी फोर्स अपवर्ड, कोई डाउट इसमें, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि ये रूल तब लगेगा जब बी वी और एफ में एंगल क्या होगा, 90, अगर 90 ना हुआ तो फ्लेमिंग ने ये नहीं कहा था कि अपने फिंगर्स को अपने हिसाब से मोड़ लेना, कभी ऐसे छोटा नहीं होगा, छोटा ही नहीं होगा, उसने ऐसे ही कहा था 90 डिग्री होगा, तो फिर अगर 90 डिग्री ना हुआ फिर फिजिक्स तो आती है, फिर वी क्रॉस भी राइट हैंड से तो निकाल ही लेंगे, वी क्रॉस भी आई क्रॉस जे करती है, फिर उस टाइम देखेंगे क्या करना है, बट पॉइंट क्लियर है यहां तक, फिर राइट हैंड वाला रूल तो सही है ही है पर वो लगाना मुश्किल है, ये लगाना इजी है, इसलिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही 99.99% केस में चलता है, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, फिर फोर्स की वैल्यू पता लग गई, फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई, आगे इसमें ना डायरेक्शन के लिए मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल लिख दिया, लिखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये अपना लेफ्ट हैंड रूल नहीं है, अपने नाम का फ्लेमिंग का नाम लगाना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड तो लगता ही नहीं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है, अभी अगले यूनिट में आएगा, वो करंट्स में लगता है, इंड्यूस करंट में, इसमें लगता, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, आगे अब सपोज करो, आगे ध्यान दो, सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू ई, और उसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है बी वेक्टर, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी है, क्यू इंटू वी क्रॉस वी, तो वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो दो दो फोर्सेस लगेंगी, नेट फोर्स क्या लगेगी, इन दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर सम में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, तो ये आ गई, क्यू कॉमन आ गया, तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी, इस फोर्स का नाम क्या है, लॉरेंट्स फोर्स, तो लॉरेंट्स फोर्स का मतलब नेट फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा व्हाइल मूविंग इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक, नेक्स्ट कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इस चैप्टर के अंदर,
तो इसमें नेक्स्ट क्या है, पहला रूल है ध्यान आगे, स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मैग्नेटिक के लिए चार्ज को किस में होना जरूरी है, मोशन में, चाहे वो वायर के अंदर हो चाहे वो हवा के अंदर हो, तो वो मूव करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, खड़ा हुआ स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। पहला रूल क्लियर है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही। नेक्स्ट है, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। स्टैटिक तो सिर्फ इलेक्ट्रिक करेगा, लेकिन जो मूव कर रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, आएगा आगे आएगा ठीक। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली 5 मिनट रुक, उसमें ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का चक्कर है, बताता हूं। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक ठीक। आगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इसमें चार्ज पड़ा हुआ है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खड़े हुए चार्ज पे भी लगाएगा और मूविंग चार्ज पे भी लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को छोड़ेगा ही नहीं, वो तो मूव करे या ना करे उसने तो फोर्स लगानी ही है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं लगाएगा, और अगर चार्ज मोशन में है तो फोर्स लगा सकता है। वो भी देखना पड़ेगा कि अगर एंगल जीरो ना हो, जीरो एंगल पे वो भी नहीं लगाएगा। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, लेकिन स्टैटिक चार्ज पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक नहीं लगाएगा। मूविंग चार्ज पे दोनों लगा सकते हैं, कोई डाउट इसमें? आगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज, डिस्कस किया हमने, एक रेस्ट पे पड़े हुए चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक जीरो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, कितनी, क्यू ई। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट रूल है, सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर के पास क्यू चार्ज पड़ा हुआ है और ये रेस्ट पे है कोई ऑब्जर्वर। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या इस क्यू चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यस कि नो? क्या इस क्यू चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यस कि नो? कितने लोग बोलते हैं यस, कितने बोलते हैं नो? मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपने नहीं सुना, मैंने कहा क्या इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, बी। अरे बी तो लगेगा, फोर्स लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी, आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा क्या मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यार फील्ड तो तुम जहां मर्जी लगा लो, फील्ड ही फील्ड है, फील्ड तो लगेगा। करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर बी जनरेट करेगी, इनफाइनाइट वायर याद है, म्यू नॉट बाय 4π2i/r, तो बी तो लगेगा, फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि v जीरो हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, सुनना ध्यान से है, मैंने कहा फील्ड लगेगा, फिर मैंने कहा फोर्स लगेगी, तो फील्ड और फोर्स में फर्क होता है, समझ में आया यहां तक? तो जो ऑब्जर्वर है उससे पूछा गया क्या इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो इस ऑब्जर्वर ने अपना दिमाग लगाया कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने आसपास बी जनरेट करेगा, तो बोलो बी इसमें कैसे होगा, इनसाइड या आउटसाइड? करंट ऊपर है तो इनसाइड, तो बी इनसाइड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है पर वेलोसिटी जीरो है, तो फोर्स एक्सपीरियंस जीरो। मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, मैंने सिचुएशन क्या कर दी, करंट कैरिंग वायर है और ये चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी,
ठीक वी, फिर दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर खुद वी वेलोसिटी से चार्ज के साथ साथ मूव कर रहा है और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है रेस्ट पे। सबसे पहले क्वेश्चन इससे पूछते हैं, तू बता ये चार्ज पार्टिकल किस पे है? उसने कहा वी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है मूव करता है। तो फिर से पूछा गया क्या ये चार्ज पार्टिकल बी एक्सपीरियंस करेगा? हाँ करेगा। कौन लगाएगा बी? वायर लगाएगी, वायर बी जनरेट करेगी। वायर बी कहां जनरेट करेगी? इस पे इनसाइड करेगी। तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, तो एंगल उनके बीच में 90। तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? करेगा। कितनी? बी क्यू वी साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, दोनों के बीच में एंगल 90, तो बी क्यू वी साइन 90। कोई डाउट इसमें? तो इसका आंसर क्लियर है कि जो ग्राउंड फ्रेम से अपना आंसर दे रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम से क्यू एक्सपीरियंस इज अ मैग्नेटिक फोर्स एज बी इज नॉन जीरो। बी कुछ ना कुछ वायर तो लगाएगी, और बी अगर वायर लगाएगी और वेलोसिटी उसकी नॉन जीरो है, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और कितनी? बी क्यू वी साइन 90। तो लिखना लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू बी क्यू वी साइन 90। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। अब एक काम करते हैं, जरा दूसरे बंदे से पूछें वो क्या आंसर देता है। देखो करें, ठीक देखो दूसरा ऑब्जर्वर इससे पूछो क्या तेरे को चार्ज रेस्ट पे नजर आता है? वो कहता है हाँ रेस्ट पे नजर आता है। तो फिर अगर चार्ज रेस्ट पे नजर आता है तो ये बता कि क्या ये वायर इसके ऊपर बी लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, करंट कैरिंग वायर तो बी लगाएगी, बी तो लगेगा, पर इसकी वेलोसिटी इसको क्या नजर आ रही है? जीरो। तो अगर इसकी वेलोसिटी इसको जीरो नजर आ रही है तो ये क्या कहेगा? लिफ्ट के फ्रेम से वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। ये तो वही गड़बड़ होगी न्यूटन वाली की, ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गए, आंसर ही चेंज होने स्टार्ट हो गए। अब बेचारे चार्ज से तो पूछ लो तू क्या सोच रहा है। वो कह रहे हैं देखो फोर्स तो मेरे पे लगेगी, मेरे को ये लेना देना नहीं है कि इसको लगता है कि इसको लगता है, मेरे पे तो लगेगी फोर्स यार, और मैं तो अपना पाथ डिफ्लेक्ट करूंगा अभी, भाई फोर्स लग रही है मैं तो वहीं जाऊंगा जहां मेरे पे फोर्स लग रही है। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स तो पक्का लगेगी। तो फिर इसका आंसर को जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसने तो ठीक बोला, इसको इसने कहा फोर्स नहीं लग रही, लेकिन एक्चुअल में तो फोर्स लगती है। तो इसने कहा देखो बात ऐसी है, मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि जब मैंने ये बोल दिया कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो फिर ऊपर के सारे रिजल्ट गलत हो जाएंगे। तो कहता है मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूं फोर्स का, तो लिफ्ट के फ्रेम से इसका आंसर मैग्नेटिक फोर्स का जीरो है। बट क्योंकि इसको जस्टिफाई करना है, फोर्स तो लग रही है, इसने कहा देखो मेरे को चार्ज क्या नजर आ रहा है? स्टैटिक। तो ठीक है मैं अपनी फोर्स का नाम चेंज कर लेता हूं, मेरी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इज लाइंग एट रेस्ट, और चार्ज अगर रेस्ट पे है तो फोर्स मैग्नेटिक तो लग नहीं सकती। तो इसने नाम चेंज कर लिया फोर्स का, इसने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इसने कहा था। इसने क्या कहा था, कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। बोलने का तरीका उसने चेंज कर लिया लेकिन वैल्यू फोर्स की रिमेंस सेम। तो अगर किसी को रेस्ट पे नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में फोर्स नजर लगती है तो वो अपनी फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दे, और अगर अगर वो खुद ग्राउंड पे है और उसको ये चलता हुआ नजर आ रहा है अपना नाम फोर्स का मैग्नेटिक बोल दे, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बोलने में जरूर फर्क है। इसलिए कंक्लूजन ये निकाला गया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। देखने का नजरिया है, कोई किसी चीज को कैसे देखता है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए इन फोर्सेस का नाम जो हम स्टडी करते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, वो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं है, पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स है। ये डिपेंड करेगा आप किस फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो आप अपने, जैसे अगर मान लो चार्ज मूव कर रहा है लेकिन आप भी चार्ज के साथ मूव ही करते जा रहे हो तो आपके लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, लेकिन अगर आप रेस्ट पे हो चार्ज मूव कर रहा है तो फिर सारा काम मैग्नेटिक्स में चला जाएगा।
लेकिन जो फोर्सेस हैं वो तो एक्सपीरियंस होंगी। तो पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हम लेकिन जो प्लस टू में स्टडी करते हैं हम प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करते हैं। जब प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक है मैग्नेट, हम चार्ज को हिलाते ही नहीं अपनी जगह से, क्योंकि मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, तो हम उसको बात ही नहीं करते हैं। पूरा चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं और प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, और इस चैप्टर में प्योरली मैग्नेटिक की बात करेंगे, क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस चैप्टर में यूज करेंगे ही नहीं। हम ग्राउंड पे बैठेंगे और चार्ज जब मूव करेगा तो एक्चुअल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ही स्टडी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में दोनों की दोनों चीजें एग्जैक्टली इकट्ठी लग सकती हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप चीज को कैसे देखते हो। खैर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैसे बता दिया कि एक्चुअल में थ्योरी यहां से स्टार्ट होती है। बट यहां से अब